पूज भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। उत्तर भारत के बाद अब दक्षिण भारत को साधने में जुटी भाजपा कांग्रेस के गढ़ में सेन लगाने का बनाया चक्रव्यूह। भारत में मंकी पॉक्स के पहले मामले की पुष्टि, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को जारी किए निर्देश। आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना तक भारी बारिश के से बाढ़ के हालात, मदद के लिए सामने आई भारतीय नौसेना और वायुसेना। पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी कैसे उछाल, 18.95% पहुंचा पॉजिटिव रेट। इंग्लैंड ने दूसरे वनडे में भारत का 100 रनों से हराया, रीस टफले के 6 विकेट लेकर पलटा मैच। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। यूपी समेत देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। कोविड 19 के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए आज से देश भर में 18 वर्ष से ऊपर वालों को मुफ्त बूस्टर दिया जाएगा। इसी क्रम में प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सीएम योगी ने बूस्टर डोज अभियान की शुरुआत की और सीएम के साथ डिप्टी सीएम बीएस पाठक भी मौजूद रहे। ये प्रिकॉशन डोज यानी बूस्टर डोज एक विशेष अभियान आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत सरकार ने प्रारंभ किया है। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के उन सभी लोगों को, जिन लोगों ने कम से कम 6 माह पहले यानी 26 सप्ताह पहले वैक्सीन की दूसरी डोज ले ली है, उन्हें अब बूस्टर डोज भी अमृत डोज के रूप में फ्री में उपलब्ध करवाने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है। 30 सितंबर का ये 75 दिन का विशेष अभियान है और इस दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर 12,08,21,597 लोग बूस्टर डोज के लिए पात्र होंगे। ये वैक्सीनेशन का जो बूस्टर डोज कंप्लीट डोज के रूप में उपलब्ध कराने का विशेष अभियान है और जो फ्री में हर एक भारतवासी को प्राप्त हो रहा है, हम इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और मैं पूरे प्रदेशवासियों से अपील करूंगा कि 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग का हर व्यक्ति जो भी इसकी पात्रता की श्रेणी में आता है, कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए प्रिकॉशन डोज यानी बूस्टर डोज अमृत डोज के रूप में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के इस 75 दिनों के इस विशेष अभियान के साथ जरूर ले। लखनऊ में ओपी राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बता दें कि राष्ट्रीय चुनाव को लेकर सुभाषपा अध्यक्ष राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यहां उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया, साथ ही उन्होंने फॉर्चुनर वाली बात पर अपनी सफाई दी और ओपी राजभर ने कहा कि गठबंधन से हम अलग नहीं हुए हैं, सपा जब तक साथ है हम भी साथ हैं। इसके आगे सुभाषपा अध्यक्ष ने यह भी बताया कि सपा ने उन्हें मीटिंग में बुलाया था, सिर्फ राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए को समर्थन दिया। इस दौरान सिर्फ राष्ट्रपति चुनाव को लेकर फैसला हुआ, सभी 6 विधायक द्रौपदी को वोट करने देंगे। इधर राष्ट्रपति जी का चुनाव आया, बड़ी चर्चा हुई, हमने अपनी पार्टी के नेताओं से बातचीत की, अपने 6 विधायकों से बातचीत की, जो मैं आपके बीच में नहीं था तो अपने विधायकों से बैठक करके बातचीत उनसे किया, पार्टी फोरम में बात रखी और बात रखने के बाद हमने सबको अवगत कराया कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने हमको बुलाया और 8 तारीख को मैं डिनर पार्टी में गया
और वहां माननीय मुख्यमंत्री जी और द्रौपदी मुर्मू जी और तमाम साथियों की तरफ से ये मेरे सामने बात रखी गई कि आप वंचित पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की बात करते हो, तो द्रौपदी मुर्मू जी ने खुद कहा कि मैं सबसे निचली पायदान से आती हूँ। अब मुझे जो जानकारी मिली है, जो मैं आपको विषय में जानती हूँ कि आप लड़ाई कमजोर की लड़ते हो, तो ऐसी स्थिति में आप हमको समर्थन दीजिए। वाराणसी में ज्ञानवापी मां सिंगार गौरी केस में आज फिर से सुनवाई होगी। बता दें कि जिला जज की अदालत में कल भी सुनवाई हुई थी। जिला कोर्ट में मामले की सुनवाई फिर से हो रही है। कल ऑर्डर 7-11 पर हिंदू पक्ष ने अपना पक्ष रखा। अलीगढ़ में योगी आदित्यनाथ के बयान को हिंदू मुसलमान के धार्मिक चश्मे से देखने वाले लोग बीमार हैं। सच्चर कमेटी के अनुसार मुस्लिम समुदाय दलितों से बुरी स्थिति में है। मुस्लिम समुदाय ने जनसंख्या दर ज़्यादा हो तो उसका नुकसान सीधे मुसलमानों की आर्थिक और सामाजिक प्रवृत्ति पर पड़ेगा। बेरोजगारी बढ़ेगी, समाज अशिक्षित होगा। भाजपा मुस्लिम समुदाय का तुष्टीकरण नहीं, उसका विकास आर्थिक और सामाजिक प्रगति चाहती है। राष्ट्रहित में देश को जनसंख्या नियंत्रण कानून की ज़रूरत है। का सीधा नुकसान मुसलमानों की आर्थिक व सामाजिक प्रगति पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जनसंख्या नियंत्रण पर जो बयान दिया है, मैं उसका स्वागत करती हूं। योगी जी के इस बयान को हिंदू मुसलमान के धार्मिक चश्मे से देखने वाले लोग बीमार हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम समाज दलितों से भी बदतर स्थिति में है। यदि मुस्लिम समाज में जनसंख्या दर बढ़ती है तो उसका सीधा नुकसान मुसलमानों की आर्थिक व सामाजिक प्रगति पर होगा। बेरोजगारी बढ़ेगी, समाज अशिक्षित होगा। ऐसे में सबका साथ सबका विकास के साथ योगी जी ने मुस्लिम समाज की एक महत्वपूर्ण समस्या की तरफ ध्यान केंद्रित करवाया है, जिस पर विरोध करने के बजाय हमें आत्मचिंतन करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समाज का तुष्टीकरण नहीं। अलीगढ़ में सारसौल में सिद्धपीठ मंदिर श्री साईं बाबा के मंदिर पर गुरु पूर्णिमा का उत्सव बड़ी हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। कोरोना काल में 2 वर्षों बाद भक्तगण बाबा के आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर पहुंचे। मंदिर में बाबा का दुग्ध अभिषेक, हवन, साईं चरित्र पाठ, कंकड़ आरती, भव्य फूल बंगला, मध्य आरती, भजन संध्या और भंडारे का भी आयोजन किया गया। ओम साई राम। सिद्धपीठ मंदिर श्री साईं बाबा जी रोड सारसौल अलीगढ़ पर गुरु पूर्णिमा का भव्य कार्यक्रम इस समय चल रहा है और इस समय बहुत ही विशाल भंडारा यहाँ मंदिर पर चल रहा है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में भक्तगण आ रहे हैं और बाबा का भंडारा प्रसाद पा रहे हैं। और इसी क्रम में हमने आप सबसे फिर ये अपील करते हैं कि आप आइए, अगर रह गए हैं तो बाबा का प्रसाद पाइए। बाबा का भंडारा प्रसाद इस समय बहुत ही तरीके से चल रहा है, सबको बिठाकर बाबा का प्रसाद ग्रहण करा रहे हैं। आप भी साईं मंदिर सारसौल पर आइए और बाबा का प्रसाद पाइए। अलीगढ़ में लखनऊ के लुलू मॉल में समुदाय विशेष के कुछ लोगों द्वारा पढ़ी गई नमाज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। वहीं वीडियो के वायरल होने के बाद अलीगढ़ से बीजेपी के सांसद सतीश गौतम का बयान सामने आया है। आइए सुनाते हैं बीजेपी के सांसद सतीश गौतम का क्या कहना है। कुछ लोग मानसिकता से बीमार हैं और उस मानसिकता की बीमारी के कारण कुछ ऐसा कृत्य करते हैं। ये कृत्य नहीं करना चाहिए। भगवान का जहाँ नाम लेना है उसी जगह पे लीजिए। चौराहे पे बैठकर, गली में बैठकर, रोड पर बैठकर भगवान के नाम नहीं लिए जाते, ये दिखावा करते। सिद्धार्थनगर में ईंट निर्माता समिति के पदाधिकारियों की ओर से बैठक का आयोजन किया गया। बैठक मुख्यालय के रॉयल ग्रीन पैलेस में आयोजित किया गया, जिसमें समिति के प्रदेश अध्यक्ष अतुल कुमार सिंह शामिल हुए। जिला कार्यकारिणी के अध्यक्ष सुल्तान अहमद और अन्य पदाधिकारी समेत जिले के सैकड़ों की संख्या में ईंट निर्माता सम्मिलित हुए। इस बैठक में बढ़ते डीजल, कोल और जीएसटी के दामों को लेकर हड़ताल का ऐलान किया गया।
हमारी अखिल भारतीय एक निर्माता समिति ने पूरे देश के अंदर भट्ठों को बंद करने का निर्णय लिया और भट्ठों के संचालन में जो लगातार हमारी दिक्कतें बढ़ती चली जा रही हैं, तमिलनाडु के अंदर मिट्टी को उठाने में बहुत दिक्कत हो रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री जी के रॉयल्टी समाप्त कर देने के बाद और रॉयल्टी हमारी जो जमा हो गई हो, प्रमुख सचिव गृह ने स्पष्ट रूप से आदेश किए कि जिन भट्ठों की रॉयल्टी जमा है उन भट्ठों को किसी भी हालत में किसी तरीके से भट्ठा संचालन में कोई व्यवधान न उत्पन्न किया जाए। अलीगढ़ में खाद और रसद विभाग की ओर से राशन वितरण को लेकर नए नियम जारी हुए हैं, जिस पर डीएम इंद्र कुमार विक्रम सिंह, संसदीय सांसद सतीश गौतम और विधायक मुख्तार राजीव राजा ने राशन डीलरों के साथ एक बैठक आयोजन किया, जिसमें डीएम और सांसद ने राशन डीलरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक के दौरान सांसद सतीश गौतम और डीएम ने राशन डीलरों को संबोधित किया। राशन डीलरों पर सब भाइयों पर खुशी है, उनके चेहरे पर चमक है, जो 70 मिलते थे उसको 90 रुपए कर दिया गया। राशन डीलरों के अब बिजली के बिल जमा होंगे, उनको उसका मार्जिन मिलेगा। जन सुविधा केंद्र के रूप में राशन डीलरों को डेवलप किया जा रहा है और गरीबों तक एफओआर मिलेगी राशन डीलर की, डायरेक्ट उसे गोदाम से उठाने की बजाय डायरेक्ट उसके घर पर डिलीवरी मिलेगी। ये बहुत अच्छी सुविधा योगी जी ने की है। मैं योगी जी को, मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि गरीबों का अन्य योजना है वो गरीबों तक बहुत अच्छी सुचारू रूप से महीने में दो बार वितरण की जा रही है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामना के द्वारा राशन को लेकर आपत्ति जताई नहीं, राशन बहुत अच्छी तरह से वितरण हो रहा है और अच्छा होगा। सरकार है जिसने खाद्य एवं रसद विभाग में आमूलचूल परिवर्तन लाने का काम किया है। वन नेशन वन राशन, आज कहीं का भी निवासी कहीं भी राशन ले सकता है, इस ऐतिहासिक काम को करने का काम यदि किसी ने किया तो योगी सरकार ने किया है, मोदी सरकार ने किया है। सिद्धार्थनगर में आशा बहू ने अभद्रता का आरोप लगाते हुए मेन गेट में ताला लगाकर धरने पर बैठ गई हैं। दरअसल पूरा मामला जिले के मिटवल ब्लॉक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तिलौली का है, जहां पर अपनी मांगों को लेकर आशा बहू अधीक्षक से बातचीत करने गई थी। इसके बाद अभद्र भाषा होने के से नाराज आशा बहू ने मेन गेट का ताला लगाकर धरने पर बैठ गई। वहीं अधीक्षक ब्रजेश कुमार सिंह ने समझाने बुझाने पर आशा बहू ने मेन गेट का ताला तो खोल दिया, इसके बाद डॉक्टर नीतीश वर्मा के ऑफिस का ताला लगा दिया। सर हैं, उन्होंने हमारे आशाओं को गाली दिए हैं, तो क्या उनके सम्मान से मेरा सम्मान कम नहीं है कि वो हम लोग को गाली दिए और हम लोग सुने? ये बर्दाश्त नहीं हम लोगों को, इसीलिए हम लोग ताला लगाए हैं। धरना आप लोगों का कब तक चलता रहेगा? जब तक उन्होंने यहाँ से जाएंगे नहीं तब तक धरना चलेगा। क्या इसकी जानकारी आपने और आला अधिकारियों को दी या नहीं अभी तक? जी अभी तो और कहीं नहीं जान रहे हैं, लेकिन दिया जा रहा है, धीरे धीरे सब चल रहा है। हमारे यहाँ पे तालाबंदी हुआ, हमारे बहनों के साथ कुछ गलत हुआ है। वेतन के मानदेय के बारे में बात हमारी बहनें चली हैं, यहाँ से आई हैं, एमओएससी सर से बात की थी, उसके बाद एमओएससी सर से बात हुआ, दूसरे डॉक्टर जो नितिन वर्मा है वो बीच में कूद पड़े, उसके बाद वो गलती ये किया है कि हमारी आशा बहने से बदतमीजी से पेश आए हैं और गाली देके बात किए हैं। इसी बात के लेके आज यहाँ पे तालाबंदी हुआ और यहाँ पे मोबाइल भी छीना गया है। बदायूं के मूसाजाग थाना क्षेत्र के गांव रूपुर में झोलाछाप डॉक्टरों का बोलबाला है। डॉक्टर बिना डिग्री बिना मेडिकल लाइसेंस के क्लिनिक चला रहे हैं। बता दें कि ग्रामीण इलाके में झोलाछाप डॉक्टरों का अच्छा खासा मकर जाल बिछा हुआ है और ग्रामीणों से डॉक्टर मोटी रकम वसूल रहे हैं। झोलाछाप डॉक्टरों के बारे में स्वास्थ्य विभाग के कानों में भनक तक नहीं गई। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर इन झोलाछाप डॉक्टरों पर कब कार्रवाई होगी। फतेहपुर में गाजीपुर थाना के बरनपुर अगरवती महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मामले में जांच करते हुए इस हत्या में उलझी हुई गुत्थी को सुलझाते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बाद ही पुलिस ने आरोपी पति के पास से आला कत्ल असलहा भी बरामद किया है। सिद्धार्थनगर के मोहना पुलिस की कार्रवाई करते हुए चोरों को गिरफ्तार किया है। दरअसल कुछ दिन पहले ही मोबाइल की दुकान से हुई लगभग 1 लाख की कीमत के मोबाइल
ब्लूटूथ स्पीकर की चोरी हुई थी। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की है। ये एक जनपद सिद्धार्थनगर के थाना मोहाना में काफ़ी समय से सूचना मिल रही थी कि मोबाइल चोरी का गैंग घूम रहा है, और एक हमारे यहाँ घटना घटित भी हुई थी 9:50 की रात में। एक दुकान का शटर तोड़ के इनके द्वारा 25 मोबाइल फ़ोन और एक दर्जन से अधिक ब्लूटूथ और कुछ उपकरण इनके द्वारा चोरी किए गए थे। उस सूचना पर थाने की टीम के द्वारा, जो हमारे इंस्पेक्टर हैं मोहाना संतोष सिंह की टीम के द्वारा, ये 25 मोबाइल फ़ोन और एक दर्जन के लगभग ब्लूटूथ आज ये बरामद किए गए हैं। और एक अभियुक्त है, इसको डफालीपुर के पास से सुबह 4 बजे गिरफ्तार किया गया है। सिद्धार्थनगर के थाना क्षेत्र में उसका बाजार के तेतरी खुर्द में एक 65 वर्षीय महिला की हत्या कर दी गई, जिसके बाद शव को बाग में फेंक दिया गया है। इस घटना की जानकारी मिलने पर पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हमारे साथ की बहन जिनका नाम सरेखा है, और रात को 11 बजे ये घर से बागीचे में आम मिलने आई। उसके बाद में 2-3 घंटा बीतने के बाद हम लोगों को जब लगा कि ये नहीं है घर से, तो लोग बागीचे में आए ढूंढे। उसके बाद में 2-3 घंटा ढूंढने के बाद फिर हम लोग 12 तारीख को थाने में। अलीगढ़ के महुआखेड़ा क्षेत्र में निजी अस्पताल में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हो गई। युवक की मौत पर परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने कोई गलत इंजेक्शन लगा दिया, जिसके बाद मरीज की मृत्यु हो गई। वहीं युवक की मृत्यु के बाद परिजनों ने अस्पताल स्पॉट पर भी लापरवाही का आरोप लगाया। घटना की सूचना पर इलाका पुलिस मौके पर पहुंची और अस्पताल व स्टाफ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कही। मैं दूसरे दिन आया हूँ, हरियाणा में रहता हूँ। हेलो, हरियाणा में तो ये आ रहा है कि उसने फांसी वगैरह लगाई थी। ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं दूसरे दिन आया हूँ वहाँ से, तो इन्हें मेरे भाई भाई ने चचेरे साहब ने भर्ती किया है। कितने दिन भर्ती रहा यहाँ पर? 3-4 दिन। चौथा दिन है। 4 दिन। कितना पैसा खर्च हुआ आपका अब तक? करीब करीब 1.5 लाख रुपए खर्च हुए। 1.5 लाख रुपए हॉस्पिटल स्टाफ की लापरवाही की? लापरवाही की, लापरवाही की, और रेट वो क्या कहते हैं, दवाई भी फुल पर फ्रंट पे दवाई दे रहे थे। इनसे हमने बोला मैंने छुट्टी कर दो, हमारा मरीज सही है, और छुट्टी ना करने की वजह से लापरवाही भर्ती हुई। तब हमारा मरीज सही था, घूम रहा था, फिर रहा था। हाँ, घूम रहा था। कौन से गाँव का रहने वाला था मरीज? बदायूं में थाना कादर चौक क्षेत्र के गांव में एक महिला से 5 जुलाई को गांव के ही कुछ दबंगों ने रात को उसके घर में घुसकर महिला के साथ मारपीट की, जिससे महिला के मुंह में ऊपरी जबड़े में 3 दांत टूट गए। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने महिला से शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। इस बात को लेकर महिला के परिजन SSP DM से मिले। महिला का आरोप है कि जिला अस्पताल के एक्सरे विभाग ने दोबारा एक्सरे करा के रिपोर्ट ही बदल दी। पहली रिपोर्ट में दांतों का टूटना दिखाया गया था। बाइट पीड़ित महिला कमला की शादी में डीजे बज रहो, तो एक लड़का शराब पियो खूब, तो वो लड़का हमारे को उठा रहो, तो वो भाषा भी हट गया, दूसरी तरफ खड़ा होगा भाभी पहुंच गया। तो वहाँ जाके भैया तूने भाषा हटा दिया मुझे, और तूने भाषा भी हटा दिया, फट गली बार पकड़ लो, गली बार पकड़ के वहाँ एक मुक्त भी मार दिया लड़का के हमारे को, तो उसको उसने भी मार दिया। फिर तो उसकी माँ आई कि चंद तेरे लड़के ने मेरे लड़का की याद पहुँच दी। क्या विवाद हुआ था? जैसे वहाँ डीजे बज रहा था, बड़े बने हाथापाई हो गई थोड़ी, सही। लेकिन मम्मी लेवाना आई हमारी अम्मा से, तो उन्होंने घर में फिर हमारी अम्मा को मारा। आपने कहीं शिकायत की अभी? शिकायत तो थाने में भी, थाने भी नहीं चली, और फिर भाई बनने गए थे, भाई बनने कोई बात नहीं बनने गए। बरेली के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में राम जानकी मंदिर के पास बिरयानी की दुकान को बंद कराने के मामले ने तूर पकड़ लिया है। दरअसल मेयर उमेश गौतम सावर के महीने में सभी मीट की दुकान बंद कराने के आदेश जारी किए थे। आदेश की अवहेलना कर मीट के दुकानों को व्यापारी नेता बंद करा रहे थे। इसी के चलते बिरयानी दुकानदार ने दुकान बंद करने से मना कर दिया, जिसको लेकर कहासुनी हुई। गुस्से में आज दुकानदारों ने अंकित भाटिया पर चाकू से हमला कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने अंकित भाटिया को अस्पताल में भर्ती करा कर दिया है। बिरयानी दुकानदार हमला करके फरार हैं।
अलीगढ़ में थाना ससनी गेट के पास मोहल्ला मालीपड़ा में रहने वाले पत्रकार के परिवार के ऊपर पिछले दिनों शराब के नशे में पड़ोसियों ने उसका गेट खुलवाकर हमला कर दिया। जब पत्रकार की पत्नी अपने पति को बचाने के लिए बाहर निकली तो उसके साथ भी हमलावरों ने बदसलूकी की। हमले के कुछ लोगों को समझाने पर उन लोगों ने बीच बचाव कराया गया। इसी को लेकर थाना में पत्रकार ने हमला कराने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन इस मामले में एक नई मोड़ आ गया है जब 12 घंटे बाद हमला करने वाले लोगों ने अपनी पत्नी की ओर से पत्रकार पर छेड़खानी का मुकदमा दर्ज करवाया। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच में जुटी हुई है। संभल से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां हयात नगर थाना के गांव घुरेटा में एक भाई ही बहन का कातिल बन गया। जमीन के विवाद में सगे भाई ने बहन को पीट पीट कर हत्या कर दी, जिसके बाद बहन का शव सड़क पर खड़ा मिला। दरअसल बहन भाई के बीच 6 बीघा जमीन विवाद चल रहा था। बहन खेत से लौट कर आ रही थी, तभी रास्ते में भाई ने उसे घेर लिया और लाठियों से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। हयात नगर में जनपद संभल में ग्राम उराटे में एक जमीन का आपस में बहन भाई का विवाह चला था, जिसमें काफ़ी पुराना विवाह चल रहा होने की वजह से आज बहन अपने खेत से जब घर पे आ रही थी तो किसी बात को लेकर आपस में कवासुनी हुई, जिसकी कवासुनी होने के बाद बहन भाइयों में झगड़ा होने की वजह से भाई ने सिर पर बहन को डंडा मार दिया, जिसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। तत्काल प्रभाव से पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने के बाद डेड बॉडी पंचायत नामे के लिए भेजी गई और FIR पंजीकृत कराकर जल्द से जल्द अभियुक्त की गिरफ्तारी की जाएगी। भैया मेरे सामने हुआ तो मैं कुछ बताऊं? हाँ, मैं तो मुरादाबाद आई हूँ, उन लोगों ने मारा। किस बात पर मारा? जमीन के चक्कर में मारा। अच्छा, इन्हें 3-4 बीघा जमीन ले रखी है इसने। ये बताइयो, कोई भाई होता उसी जगह वो भी लेता। जब शादी नगर किस पे सके आपको, किस किस ने मारा? भावन ने मारा, भैया ने मारा, ये तीनों ने मारा। और किस पे सका? और जो दूर पास के उन्होंने मारा। मैं तो तीन ही वहाँ पर। अच्छा, कहाँ के रहने वाली है ये? सर्वेश विनोद ममता। यो में आपस में लड़ाई हो रही थी धानों के पीछे, तो ये धानों के पीछे लड़ाई हो रही, उनकी धानों की पौध में किसी ने दवाई डाल दी, तो वो बुआ जी गई अपने भाइयों के धोरे, घर नहीं गई बाहर ही, तो वो बोले तुमने डाली है दवाई, तो उनके भैया बोले किससे बुझवाएगी, उन्होंने की जिसान से बुझवाऊंगी मैं, चल। तो इतनी बात में घर में से सब बल्ला के उन पर। सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच तलखी बढ़ती जा रही है। अखिलेश यादव की ओर से सुबसपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर को फॉर्चुनर गिफ्ट किए जाने की बात पर अरुण राजभर ने खंडन किया है। अरुण राजभर ओपी राजभर के बेटे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ABC SP प्रमुख को सपा की ओर से कोई भी फॉर्चुनर कार नहीं दी गई। ओम प्रकाश राजभर अपनी इनोवा कार से चलते हैं और उसी से लोगों से मेल मुलाकात करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अफवाह मुद्दों को ध्यान भटकाने के लिए उड़ाई जा रही है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी समाजवादी पार्टी से दिया हुआ फॉर्चुनर से चलते हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी स्पष्ट कर देना चाहती है इस घटनाक्रम से कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अपने इनोवा कार से चलते हैं और वो अपने ही इनोवा कार से जनता में जाते हैं और जनमानस में जाकर के संगठन का निर्माण कराते हैं और कार्यकर्ताओं के दुख सुख में शामिल होते हैं। ये खबर गलत चलाई जा रही है कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी फॉर्चुनर से चलते हैं, जबकि ये पूरी तरीके से निराधार है। समाजवादी पार्टी की तरफ से हमें सुहेल भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के लिए चलने के लिए कोई फॉर्चुनर कार अब तक मिली नहीं है, ना हमारे संज्ञान में ऐसा कोई कार हमारे संज्ञान में। हमारे सभी कार्यकर्ता सक्षम है अपने अपने संसाधनों से चलने के लिए। जब हम सुहेल भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कैबिनेट मंत्री पद को जब त्याग करके समाज के लिए लड़ सकते हैं, तो ये जो अफवाहें फैला रहे हैं कि हम कार के लिए लड़ रहे हैं, हम AC के लिए लड़ रहे हैं, हमारे नेता AC की लड़ाई नहीं लड़ते, हमारे नेता जनता के लिए लड़ाई लड़ते हैं, बुनियादी मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं। हाँ, ये मुद्दों को ध्यान से हटाने के लिए जैसे राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा है, तो माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ से राष्ट्रपति के उम्मीदवार लखनऊ में आते हैं, सुहेल भारतीय समाज पार्टी को इन्वाइट नहीं किया जाता है, तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को ध्यान हटाने के लिए ये कार का जो एक एजेंडा कहीं से लाया जा रहा है, ये पूरी तरीके से ये मुद्दों को हटाने के लिए और चुनावी जो
फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।